नमस्कार विद्यार्थियों, द्वितीय वर्ष संस्कृत की इस कक्षा में सुकना स्वपदेश में ही हम लक्ष्मी के घमंड में चूर, राजलक्ष्मी की सत्ता के घमंड में चूर राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। वे राजा लोग अब कैसे हैं? कुलीरा एव तिर्यक भ्रमंती। कुलीरा यानी केकड़े। केकड़ा जैसा आडा टेढ़ा चलता है, ठीक उसी प्रकार कुलीरा इव केकड़े की भांति तिर्यक भ्रमंती टेढ़े मेढ़े चलते हैं, टेढ़े टेढ़े ही चलते हैं, तिरछी दिशा में ही जाते हैं, सीधे सीधे नहीं चलते राजा लोग। अधर्म भग्न गतय पंगव इव परिण संचार्यते। अधर्म भग्न गत, अधर्म अधर्म के कारण भग्न नष्ट हो चुके हैं गति जिसकी, ऐसे क्योंकि वो अधर्म इतना कर चुके होते हैं कि उनकी गति नष्ट हो जाती है, तो ऐसे वे राजा लोग पंगव इव पैर विहीन के समान परिण दूसरों के द्वारा संचार्यते चलाए जाते हैं। दूसरों के सहारे से चलता है मनुष्य यदि उसके पैर नहीं होते। लेकिन जो राजा लोग हैं जो अधर्म के कारण विनष्ट हो चुके हैं, वह दूसरे जो उनके मंत्री दुरासद दुर्मंत्री जो होते हैं उनके द्वारा वह चलाए जाते हैं। मतलब राजा को वो शिक्षा देता है कि राजा को क्या क्या कार्य करना चाहिए, अब वो चाहे सही हो अथवा गलत हो। मर्षावाद विष विपाक संजात मुख रोगो इव अति प्रच्छेन जलपंती। मर्षावाद अत्यधिक झूठ बोलने रूपी विष यानी जहर के विपाक पीने से संजात हो गया है मुख रोग, मुख रोग जिनको ऐसे। मर्षावाद यानी झूठ बोलने रूपी विष यानी विष के विपाक विपाक से संजात हो गया है मुख रोग, मुख रोग ऐसे जिनको, ऐसे वे राजा लोग अति कठिन अत्यधिक कठिनाई से ही जलपंती कुछ कह पाते हैं कि मानो उन्हें वो इतना झूठ बोल चुके हैं कि झूठ बोलने का विष ने उनके मुख में कोई रोग कर दिया, तो वे राजा लोग बहुत कम ही बोल पाते हैं। सप्तछद तरह इव कुसुम रजो विकारी आसन वर्ती नाम शिर सूलम उत्पाद्यते। सप्तछद एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है, उस कहते हैं कि उसके कुसुमों से फूलों से उस ऐसी गंध आती है कि जो व्यक्ति खड़ा है उसके सिर में दर्द हो जाता है, वो उसकी गंध को सुगंध को सहन नहीं कर पाता। तो वो राजा लोग क्या करते हैं, उसके पास में मंत्री है या दरबारी है या नौकर चाकर है, परिजन है, सेवक है, उनके लिए कितना बड़ा कष्ट कर देते हैं। मानो सप्त छद तरव चितवन के पेड़ के समान कुसुम यानी पुष्पों के रज परागों के विकारी दोषों से आसनवर्ती नाम समीप में रहने वाले सभी के लिए, सभी के शीरम सिर के लिए शूलम कष्ट को उत्पाद्यन्ति उत्पन्न करते हैं। मतलब उन सबको सिर दर्द दे देते हैं। आसन मृत्यव इव आसन समीप ही है मृत्यु जिसके, ऐसे वे बंधु जन्म अपि अपने बंधु बांधवों को अपने परिवारजनों को अपने हितेशीजनों को न भी जानन्ति, वह नहीं पहचान पाते। कहा जाता है जिसकी मृत्यु निश्चित होती है या जिसकी मृत्यु निकट होती है, निश्चित तो सभी की है, जिसकी मृत्यु निकट होती है वो अपने परिवार वालों को नहीं पहचान पाता, उसी प्रकार वह राजा भी आसन मृत्यव इव समीप ही है जिसकी मृत्यु ऐसा होता हुआ अपने बंधु जनों को, मतलब जो हितकारी है, जो उसके रिश्तेदार है, जो अपने परिवारजन है, उन्हें भी वह नहीं पहचान पाते हैं। तो वे राजा लोग कैसे होते हैं, अनुवाद में देखिए, केकड़े के समान तिरछे घूमते हैं, अधर्म के कारण टूटी हुई गति वाले लंगड़ों के समान दूसरों के द्वारा संचालित होते हैं। मतलब उस राजा की सत्ता दूसरों के हाथों में होती है। असत्य भाषण रूपी विष के विपाक से उत्पन्न मुख रोग वालों के समान बड़ी कठिनाइयों से बोलते हैं। आप वहाँ में जाएंगे तो बहुत कठिनाई से मुंह बिगाड़ते हुए से ही वो बोलेंगे। विकृत पुष्पराग के समीप स्थित व्यक्तियों की, विकृत पुष्प राग के समीप स्थित व्यक्तियों की शिरोवेदना सिरदर्द पैदा करने वाले होते हैं। किसके समान? सप्तपर्ण के वृक्षों के समान उत्पन्न, सप्तपर्ण वृक्षों के पत्तों के समान समीप रहने वालों के सिर में दर्द को उत्पन्न करते हैं और मरणासन व्यक्तियों की भांति अपने संबंधियों को भी नहीं पहचानते। एक हमारे यहाँ पे बीमारी होती है, जब मौसम चेंज हो रहा होता है हम लोगों की आंखें लाल हो जाती है, उसे कुछ मातृभाषा में आँख आई कहते हैं, या फिर आँखों में कोई समस्या हो जाती है तो वो रोग, जो उस रोग से रोगी जो होता है वह किसी तेज प्रकाश को नहीं देख पाता, उसी को उत्कुपित लोचना एव तेजस्विनो न इक्षन्ते,
उत्कुपित रोग हो गया है लोचना नेत्रों में जिनके, ऐसे वे तेजस्विनों तेजस्वी पुरुषों को नहीं देखते हैं। काल दृष्टा इव महामंत्री अपि न प्रतिबुद्ध्यते। काल दृष्टा इव, काल यानी काले सांप के द्वारा दृष्टा इव डस लिया गया है जिनको, ऐसे महामंत्री अपि महान मंत्रों के द्वारा, विशिष्ट विष हारक मंत्रों के द्वारा ही प्रतिबुद्ध्यते जगाए जाते हैं, अन्यथा वे होश में नहीं आते हैं। जातुष अभरणानी एव स उष्माणम न संति। जातुष यानी लाख के आभरणानी एव गहनों के समान स उष्माणम, अरे गर्म पदार्थों को न सहनते, सहन नहीं करते हैं। माय गॉड, जातुष आभरणानी एव लाख के गहनों के समान स उष्माणम, गर्म पदार्थ को न सहनते, सहन नहीं करते हैं, पिघल जाते हैं। दुष्ट वारणा इव, दुष्ट हाथी या मदमद हाथी के समान महामान महत परिमाण वाले स्तंभित खम्भे से बांधकर निश्चलीकृत निश्चल किए गए के समान न ग्रहन्ति, ग्रहण ही नहीं करते उपदेशम दिए गए उपदेश को, या फिर महावत के द्वारा दिए गए उपदेश को ग्रहण ही नहीं करते। तृष्णा विष मूर्छिता, तृष्णा रूपी विष से मूर्छा को प्राप्त हुए हुए ऐसे कनकमयम इव सर्वम पश्यन्ति, सोने के समान ही पूरी दुनिया को देखते हैं, अर्थ देखते हैं, शब्दार्थी अनुवाद देखते हैं। जैसे रोगयुक्त आँखें वाले तेजयुक्त वस्तुओं पर दृष्टि नहीं डालते हैं, वैसे ही वे राजा लोग तेजस्वी पुरुषों को नहीं देखते, वे तेजस्वी पुरुषों को समझ ही नहीं आते, वे तेजस्वी पुरुषों को समझ ही नहीं सकते। जैसे कृष्ण सर्प से डसे हुए व्यक्ति विश्व वैद्यों के शक्तिशाली मंत्रों से भी होश में नहीं आते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी मंत्रणाओं से भी वे राजा लोग नहीं जगाए जाते हैं। भरी सभा में अगर कह दिया जाए कि राज्य पर इस प्रकार की विपत्ति आ गई है, तो भी वो तो जागते ही नहीं, उन्हें वो विपत्ति समझ ही नहीं आती, सुनाई नहीं देती, मानो वो होश में नहीं है। होश में क्यों नहीं है? उसको जहर ने काट लिया। किस जहर ने काट लिया? काले सांप के जहर ने उनको काट लिया। तो काले सांप का जहर, वैसे तो जो विश्व वैद्य हैं जिनके शक्तिशाली मंत्रों हैं उससे वो होश में आ जाते हैं, लेकिन ये तो बड़ी बड़ी मंत्रियों के द्वारा किए जाने वाली मंत्रणाओं से भी होश में नहीं आते, अर्थात राज्य के ऊपर कोई विपत्ति है, आपत्ति है, उसके बारे में विचार विमर्श नहीं सुन पाते, करना तो बहुत दूर की बात है। और जैसे लाख के द्वारा निर्मित गहने गर्म पदार्थों को सहन नहीं करते, वैसे ही ये लाख वे तेजस्वी व्यक्तियों को सहन नहीं करते। और जैसे बिगड़े हुए हाथी विशाल खम्भों से बांधे जाने से स्थिर किए भी महावत के निर्देश को ग्रहण नहीं करते, वैसे ये राजा लोग भी अतिशय अहंकार रूपी स्तंभ से जकड़े हुए होकर हितकारी के उपदेश को नहीं सुनते। और तृष्णा यानी लालच रूपी विश्व से बेहोश किए हुए से सब वस्तुओं को सोने के समान ही मानते हैं। ईशव इव पाण वर्धि तक्षणिया पर प्रेरिता विनाशयन्ति। ईशव बाण के समान, पाण घिसने से वर्धित बढ़ गई है तीक्ष्णा जिनकी, ऐसे वे पर प्रेरित दूसरों के द्वारा ही विनाशयंती चलाए जाते हैं। जैसे बाण ईश यानी कसौटी के सान के पत्थर पर घिस जाने से बाण को घिसा जाता है तो वह तीक्ष्ण हो जाता है, ऐसा जो बाण होता है वो पर प्रेरिता दूसरों के द्वारा चलाया जाता है, खुद तो चल नहीं था, तो दूसरों के द्वारा चलाए जाने पर वह बाण अपने लक्ष्य को भेदित कर देता है। उसी प्रकार ये राजा लोग भी पानवर्धित ईशव मदिरा, पानवर्धित मतलब मदिरा पीने से बढ़ी हुई तैक्षणिक क्रूरता वाले राजा लोग पर प्रेरित धूर्तों के द्वारा प्रेरित होकर प्रजाओं को विनाशयंती नष्ट कर देते हैं। दूर स्थितान अपि, जैसे दूर ऊंचाई पर स्थित फलानी फलों को दंड विक्षेप ही डंडा फेंक करके शात्यंती गिरा देते हैं, ठीक वैसे ही ये राजा लोग दूर स्थितान अपि दूर बसे हुए महाकुलानी उच्च कुलों को भी ये राजा लोग दंड विक्षेप कर गर्ण आदि दंड के द्वारा शात्यंती नष्ट कर देते हैं। अकाल कुसुम प्रवसा इव, असमय में उत्पन्न पुष्पों के समान मनोहर आकृति सुंदर आकृति वाले होते हुए भी ये लोक विनाश हेतु लोक विनाश के कारण होते हैं। असमय में अगर पुष्प उत्पन्न होता है तो किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक विपदा या आपत्या को ज्ञानी जन मुनिजन कहते हैं। उसी प्रकार अकाल कुसुम प्रवसा इव,
अकाल में असमय में उत्पन्न पुष्पों के समान मनोहर आकृति अपि सुंदर आकृति वाले होते हुए भी ये लोक विनाश हेतव लोक विनाश के कारण होते हैं। शमशान अग्नय एव अति रौद्र गतय, और शमशान की आग की राख के जैसे बहुत भयंकर वाल बहुत भयंकर होती, ठीक वैसे ये अत्यंत क्रूरतापूर्ण गति वाले होते हैं। तेमिरिका इव अदूरदर्शी, तेमिरिका और तिमिर रोग मोतियाबिंद जिन्ह हो गया ऐसे वे बहुत दूर तक देखने वाले नहीं होते, अर्थात ऐसे राजा लोग अदूरदर्शी होते हैं, भावी घटना या परिणाम को समझने वाले नहीं होते। अनुवाद देखते हैं, शान यानी शस्त्र को तेज करने वाले पत्थर के द्वारा तेज किए गए वीर योद्धाओं द्वारा छोड़े गए बाण जिस प्रकार अपने लक्ष्य को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मदिरा पान से बड़ी हुई क्रूरता वाले राजा लोग धूर्तों के द्वारा प्रेरित होकर प्रजाओं को नष्ट कर देते हैं। जैसे दूर ऊंचाई पर स्थित फलों को डंडा फेंक कर गिरा देते हैं, वैसे ही दूर बसे हुए ऊंचे कुलों को भी राजा लोग कर ग्रहण आदि दंड के द्वारा नष्ट कर देते हैं। असमय में उत्पन्न पुष्पों के समान सुंदर आकृति वाले होते हुए भी वे लोक विनाश के कारण होते हैं। शमशान की आग की राख जैसे बहुत भयंकर होती है, उसी प्रकार अत्यंत क्रूरतापूर्ण गति वाले होते हैं। तिमिर रोग मोतियाबंद से ग्रस्त पुरुष जिस प्रकार दूर स्थित वस्तुओं को देखने में असमर्थ होते हैं, वैसे ही लक्ष्मी के वध से विहल व्याकुल घमंडी राजा लोग अदूरदर्शी भावी घटना या परिणाम को समझने वाले नहीं होते हैं। उपसृष्टा इव शुद्रा अधिष्ठित भवना, उपसृष्टा अभिसारिकाओं के वेश्याओं के घर जैसे शुद्र लोगों के द्वारा भरे जाते हैं, भरे हुए होते हैं, वैसे ही ये राजा लोग भी शुद्र अधिष्ठित नीच विट आदि व्यक्तियों से घिरे हुए रहते हैं। श्रूयमाणा अपि प्रेत पटाहा इव उद्वेजयन्ति, श्रूयमाणा और यदि ये आपको सुनाई दे तो भी ये प्रेत पटाहा यानी मरणों उपरांत बजने वाले नगाड़े के समान उद्वेजयन्ति आपके मन में शोभ या दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं। चिंतयमाना अपि और चिंता करते हुए भी महापातक अध्यवसाया इव, महापाप में प्रवृत्ति का विचार करने वाले होते हुए उपद्रव उपजनन्ति हमारे हृदय में उपद्रव को उत्पन्न कर देते हैं। तो जैसे उपसृष्टा वेश्याओं के भवन कोठे जैसे शुद्र अधिष्ठिता नीच विट आदि व्यक्तियों से भरे हुए रहते हैं, वैसे ही इन राजाओं के भवना राजभवन भी शुद्र चापलूस धूर्त व्यक्तियों से ही घिरे हुए रहते हैं। और जैसे कि प्रेत पटाहा मरणों परांत बजने वाले नगाड़े सुनकर नगाड़े जैसे कि श्रूयमाणापि सुनाई दिए जाने पर उद्वेजयन्ति दुख को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार ये राजा लोग भी सुने जाने पर व्यक्तियों के मन में शोभ को या दुख को ही उत्पन्न करते हैं। और जिस प्रकार महापातक अध्यवसाया इव जैसे महापापों में प्रवृत्ति का विचार भी उद्वेजयन्ति मन में उपद्रव सा उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार ये राजा लोग अगर इनके बारे में चिंतन भी कर लें तो भी ये उस व्यक्ति के मन में खलबली या उपद्रव को उत्पन्न करता है। इति ऐसा।